इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ फूडी डूड्स। आप लोग को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। हम रेगुलर आ नहीं पा रहे हैं, हर वीडियो के बीच में इतने ज़्यादा दिन लग रहे हैं इस बार, इसके लिए आई एम सॉरी गाइज। आप लोगों का हमें मैसेजेस आता है मुझे और दिव्या को कि यार वीडियो के बीच में इतना बड़ा बड़ा गैप क्यों दे रहे हो। क्या करें दोस्तों, आपको पता है कि सिचुएशन ये वर्क फ्रॉम होम वाली बहुत डिफ़िकल्ट होती है, छुट्टी मिलती नहीं है। तो जिस दिन छुट्टी होता है तो उस दिन दिव्या का स्केड्यूल अलग होता है, मेरा स्केड्यूल अलग होता है, तो एक कॉमन टाइम निकालना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग का साथ रहा तो हम एक हफ्ते में एक वीडियो से हम हफ्ते में दो वीडियो करेंगे, और दो वीडियो सक्सेसफुली करने के बाद उसके बाद हम थर्ड फेज़ चालू करेंगे, डेली व्लॉगिंग करने की कोशिश करेंगे, और स्टे ट्यून गाइस। तो स्वागत है दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त लियो आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं बनूँगा पुष्पा, देखते वीडियो के एंड तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए। तो आज बना रही है दिव्या होम मेड घी। आइए चलो किचन में, मुझे फॉलो कीजिए और देखते हैं मैडम जी क्या कर रही है। और तो मैडम, आपका प्रोसेस कहाँ पहुँचा? प्रोसेस अभी शुरू नहीं किया, अब शुरू करने वाली हूँ। पहले मैंने ये फिश को मैरिनेट करके रख दिया है, ये लंच के लिए रेडी करके रखती हूँ, और जब तक ये मैरिनेट हो रहा है अच्छे से, मसाला इसके अंदर तक नहीं जाता, तब तक आज मैं बनाने वाली हूँ ये। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो मलाई है, मलाई को क्या बोलते हैं हिंदी में? मलाई बोलते हैं हिंदी में इसको, मलाई को मलाई बोलते हैं। हाँ, तो ये जो दूध, जो हम फुल क्रीम वाला दूध लेके आते हैं क्योंकि कियान को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये जो हम ये पूरा क्रीम दिव्या इसको स्टोर करके रखती है, और फिर महीने में एक बार बाहर निकल के इसे घी बना देती है। सो गाइस, ये देखिए इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा ये सिर्फ मलाई है। इसको घी बनाने से पहले ये मलाई को इसमें थोड़ा सा दही डालना पड़ता है फर्मेंट होने के लिए, और फिर अभी इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे ये पानी लिया है, ये पानी में, ये मेरा स्टाइल है घी बनाने का। सब लोग का अलग अलग स्टाइल होता है, बट सबका अलग अलग स्टाइल होता है, बट मेरा ये स्टाइल है घी बनाने का। मैं दो ये बड़े बड़े बर्तन लिए हैं मैंने, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, और ये पानी काफ़ी चिल्ड है, बर्फ वाला पानी है, बर्फ वाला पानी। ये जो बर्फ है ये मैंने पहले ही बना के रख देती हूँ, और फिर बाद में दो ले लूँगी। ये मैं बताती हूँ अभी आपको। अभी ये जो मलाई है ना, इसको हम लोग बैच बैच में ये इसमें डालेंगे। पहले के ज़माने के लोग ना इसको शर्न करते थे ऐसे 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 करके इसमें पानी डाल के। कमेंट करके बताइए दोस्तों, हाँ। वो चर्निंग प्रोसेस जो वो जो वेसल यूज़ करते थे उसको क्या बोलते थे? मुझे और दिव्या को तो वो पता नहीं, लेकिन हम अभी कोई चर्न मतलब नहीं कर सकता, मतलब इतना टाइम तो होता नहीं है। सो चर्न के जगह पे आ गया है हमारा प्यारा सा मिक्सर जो ऑटोमेटिकली चर्न कर देता है। हाँ, वो खुद ही चर्न कर देता है। तो अभी मैं बैच बैच में ये जो मलाई है वो इसमें डालूंगी, उसको चर्न करूंगी पहले। सो ये जा रहा है पहले। वाओ, इतना मस्त लग रहा है मक्खन। मक्खन इससे बटर भी बनता है गाइस, लेकिन हम लोग बटर नहीं खाते, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ बटर। हाँ, तो घी बनाने के पहले आप इसे बटर भी बना सकते हो, हम बटर अवॉइड करते हैं। तो
अभी ये ले लिया मैंने और अभी इसको मैं मिक्सर में अच्छे से चर्न करूंगी। दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि कियान पेंट कर रहा था इसे, और ये हमारा वॉल यूनिट रेडी हो गया है, प्लस ये हमारा डाइनिंग एरिया रेडी हो गया है, ये दिव्या ने सिलेक्ट किया है। वाह, और इतना मस्त लग रहा है अब ये डाइनिंग एरिया। कमेंट करके बताइए दोस्तों ये हमारा DIY आपको कैसे लगा। अभी मैं इसको थोड़ा चर्न कर किया है मैंने, वो थोड़ा ऐसे हो जाता है चर्न करने के बाद। अब इसको हम लोग एक क्लीन, वो जो मैंने पानी लिया था आइसी कोल्ड वाटर में, ये उसमें डाल दूंगी मलाई को। ये क्यों डालते हैं ऐसे? ताकि वो जो मलाई बहुत दिनों से रहती है ना, तो उसमें एक टाइप का थोड़ा सा ऐसा ओडर रहता है, तो वो उसमें से क्लीन हो जाता है। अब ये जो मैंने पानी में डाला है इसको हमको वापस चर्न करना पड़ेगा। ओके। तो जो गंदा पानी है वो नीचे चला जाता है और जो मेन घी का जो मटेरियल होता है, क्या बोलते हैं उसको, लोणी, हाँ ऐसे ही कुछ बोलते हैं, तो वो ऊपर आ जाता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं ये कर लेती हूँ पहले सब। ये तो बन जाता है गाइस, बनने में जितना उतना ही डिफिकल्ट है इसको बनाना। डिफिकल्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत लगता है बनाने में। मेहनत और मेसी है एकदम, मेसी, ओ गॉड डोंट इवन आस्क। लेकिन जब ये बनने के लिए गैस पे चढ़ता है, जब वो मक्खन से वो घी में कन्वर्ट होता है, तो पूरे घर में इसका ओडर, थोड़ा सा ओडर रहता है, ओडर ही बोलते हैं उसको, क्योंकि लेकिन वो ओडर दूर दूर करने के लिए तो कुछ डालती है ना उसमें। वो क्या? तो इलायची में डालती हूँ, वो तो जब फिर घी बन जाता है तो उसकी खुशबू आती है, लेकिन जो ओडर पूरे घर में फैलता है, पूरे घर में क्या, पूरे बिल्डिंग में फैलता है। तो बिल्डिंग वाले सोचते रहेंगे वाह घी खाएंगे, वाह घी खाएंगे, ऐसा नहीं, इनके घर में घी बना है। तो ऐसा जो वाले रहते हैं ना, वो सब जगह पे रहते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं, सब जगह पे रहते। तो लेकिन मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगी, तुम कितना भी करो हा करो, लेकिन अपन सलाद फिर भी बनाएगा। पुष्पा, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। घी फिर भी बनाएगा, झुकेगा नहीं साला। तो ये बर्तन भी भर चुका है। ओह शिट, अब क्या करेगी ये? मैं ना पहली बार इतनी क्वांटिटी में बना रही हूँ, इस बार लेट हो गया, इस बार लेट हो गए, लेट नहीं हुआ यार, टाइम ही नहीं मिला, क्या बोलूं। मुझे लगता है ये बार 1 किलो बनेगा। या क्वाइट पॉसिबल। तो ये मस्त चर्न हो गया है, ये चर्न हो रहा है, लेकिन इसका ये चर्न और होगा, क्योंकि हम लोग इसको भी वापस डालेंगे, जो मेन क्या बोलते हैं उसको, लोनी ना, मराठी में उसको लोनी बोलते, हिंदी में मक्खन बोलते है। तो वो जो मक्खन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो अभी फिलहाल फिल्टरेशन का प्रोसेस है, या क्लीनिंग, मैं तो उसको क्लीनिंग ही बोलती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा ओडर कम होता है, ओडर और इसकी गंदगी निकलती है। हाँ एग्जैक्टली, वो जो पानी है ना उसका गंदगी निकाल लेता है, तो इसीलिए मैं ये इसको करती हूँ ऐसा। और तूने मेरे पूरे किचन का रायता फैला दिया है, अरे साफ किया है मैंने, और चल मैं तुझे हेल्प कर दूंगा साफ करने के लिए। ओ बड़ी मेहरबानी आपकी, हेल्प कर दूंगा, करना ही पड़ेगा, हेल्प कर दूंगा क्या होता है, मैं तुझे हेल्प कर दूंगा, और बाद में बोलेगा अरे मुझे इधर जाना, अरे मुझे, तो फाइनली वो मुझे ही करना पड़ेगा, ये हमेशा का है यार। अरे मैं करके दे दूंगा, चल तू टेंशन मत लेना, मुझे अभी तक खाना भी बनाने का, पूरा किचन साफ कर दूंगा। तो आज मम्मी ने हमें लाके दिया है बांगड़ा, तो मम्मी आज सुबह ही उठी थी और मार्केट गई और बांगड़ा हमारे लिए लेके आई, और ये मेथी की भाजी भी है, तो वेज नॉन वेज मिक्स नहीं करेंगे आज, हम खाएंगे बांगड़ा। अरे क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बांगड़ा ही बोलते हैं हिंदी में, बांगड़ा ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैकरल बोलते हैं। मैकरल पूछने तुझे शर्म तो नहीं, अरे इंग्लिश में क्या बोलते हो, तो हिंदी पूछता है बार बार, हिंदी का वर्ड हिंदी में ही पूछता है मेरे को। शुद्ध नहीं बोलते, उसको बोलते
क्लीनिंग, साफ साफ जो करते हैं हम लोग, जो क्लीन करते हैं, सफाई। अरे भाई दुनिया में तुझे ही सब दिमाग है, तेरे दिमाग में क्या गूगल है इनबिल्ट? गूगल दे रही हूँ मैं। और हम क्या विंडोज पे चलते हैं? विंडोज, वो भी कौन सा वर्जन विंडोज, मुझे याद भी नहीं, 1998 वाला वर्जन। नहीं तो दिव्या ने कहा कि इंडियन औरतें, इंडियन लड़कियां, इंडियन माएं, इंडियन बहनें सारी प्यारी होती है, हमें तो बहुत पसंद है। हम तो अभी एक के साथ फिलहाल अटक चुके हैं, लेकिन इंडियन मर्द भी कोई कम नहीं है। हमने भी इवॉल्व कर लिया है, हम भी घर में मेहनत करते हैं, हम भी साथ देते हैं। औरतें ये बात मानती नहीं है तो कमेंट करके बताइए कि आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपकी बहन ये मानती है कि नहीं कि आपका भी घर में उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। एक्सक्यूज मी, देखिए ये कोई वॉर नहीं है या कोई लड़ाई नहीं है जो मैं बोल रही हूँ हम भी सुबीर। मैं बोल ये नहीं बोल रही कि आदमी कुछ नहीं करते, लेकिन औरतें जो करती है। अरे जो तू वकालत कर रही है ना, तो मैं भी पैरवी दे रहा हूँ कि भाई हम भी कुछ करते हैं। हाँ करते हैं यार, लेकिन एक औरत जितना करते है क्या? हाँ या ना बोल, करता है क्या? करता है क्या? हाँ झगड़ा किया, लेकिन सारी औरतों को, सारी माओं को, सारी बहनों को फूडी डूड परिवार की तरफ से बहुत सारा प्यार। ऐसे ही लगे रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम जो नटखट से आदमी होते हैं वो औरतों के बिना कुछ नहीं होते। देख सकते हो इतना सारा घी था, इसको ग्राइंड करने के बाद इतना पानी छोड़ा है कि ये इतना ही मक्खन और थोड़ा निकल रहा है। टाइम है, लेकिन फिलहाल ये रहा हमारा फर्स्ट बैच मक्खन का। कमेंट करके बताइए किसे किसे खाना है। ये ना देखिए गाइस, अब ये जो पानी है देखिए ये अपने आप छोड़ रहा है ये पानी, तो ये सब वो गंदा पानी है, इससे फिर ज्यादा ओडर भी नहीं आएगा। ओडर। वाह, तो गाइस हमारा ये मक्खन रेडी हो चुका है। वाह अरे बहुत ज्यादा निकला यार, बहुत सारा, आधा किलो घी निकलेगा मुझे लगता है, आधा किलो से ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि इस बार मैंने ज्यादा बनाया, थोड़ा डर रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना बनाया मैंने, वरना हमेशा ऑलमोस्ट आधा किलो घी तक का बनाती हूँ, लेकिन तो ये डबल क्वांटिटी है इस बार, मुझे लगता है 1 किलो निकलेगा। हाँ तो इससे तूने क्या गैस पे रख दिया? हाँ अभी मैंने गैस पे इसको रख दिया। मैं और कियान तो अरे मैं अरे गाइस हमारे घर में भी अनिल कपूर है, ये अरे शर्मा जब मेरी पूरी तरीके से बॉडी बन जाएगी तो मैं खुद अपने आप रिवील करूंगा। इतना एक्सपोज मत कर, हम लोग को ए सर्टिफिकेट लगा के वीडियो डालना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी कियान को जाके लेके आया, तो अब मैं तैयारी करता हूँ पुष्पा बनने की। पुष्पा, ओ माय गुडनेस, ले तेरा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं बन चुका हूँ। ओ गॉड, मैंने पापा की लुंगी लेके आई हूँ, तो वैसे भी आज मच्छी बनाए तो मैं बोला मैं पूरी तरह की। अरे अंदर कुछ पहना है कि नहीं? अरे पहना, एकदम टाइट बांधा है, गिर नहीं जाए, तो मैं सोचा चल तेरा चैलेंज ले लेता हूँ, पुष्पा बन जाता हूँ, गरीब पुष्पा हो, चैन वेन और अंगूठी तो कुछ है नहीं। अरे और एक चीज मिसिंग है। क्या? ये वाला, ये ले ये पेन, ये पेन ना, अरे सॉरी साला झुकेगा नहीं। पुष्पा नाम समझ के, क्या था? नाम सुन के फ्लावर मत समझना, फायर हूं मैं। पुष्पा कंधा 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 ऊपर, पुष्पा उर्फ रजनीकांत। अरे क्या है? तो ये रहा हमारा चिकन ग्रेवी। चिकन ग्रेवी यार, चिकन खा के ना मेरे मुंह में सिर्फ चिकन बैठ गया। फिश ग्रेवी है ये, बांगड़ा मच्छी है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैकरल।
मैकरल। तो अभी इसके अंदर राइस थोड़ा मिक्स कर लेते हो। वाह, अरे इसके साथ तूने कांदा नहीं दिया क्या यार? नहीं, कांदा महंगा हो गया। कांदा महंगा हो गया, कांदा सस्ता ही है, 40 रुपए किलो। प्रेयर कर लेते हैं। वाह, एकदम ऑसम है यार। और दोस्तों, मैं हमारी एक व्यूअर को सॉरी बोलना चाहूँगा, उन्होंने हमें लास्ट वीडियो में मैसेज किया था कि भाकरी प्रिपरेशन का वीडियो बताना। सॉरी दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए भाकरी का वो प्रिपरेशन का क्लिप या वीडियो नहीं दिखा पाए, लेकिन प्रॉमिस है कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि आज घी बनाने के लिए दिव्या का इतना टाइम गया, उसके ऊपर वो मच्छी भी बनाना था तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया उसको। और जो फिश होती है वो राइस के साथ ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है, या जो राइस की भाकरी होती है उसके साथ ज़्यादा डिलीशियस लगती है, तो आज वो ज्वार की भाकर बना नहीं पाई। लेकिन प्रॉमिस है आपको कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो भाकरी का हम बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। सो गाइज, ऑलमोस्ट घी तैयार हो गया है और 10 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ अब ये कैसा दिख रहा है। सी गाइज, ये घी बन चुका है, मतलब और थोड़ा सा बनना बाकी है, ये सब अभी और भी थोड़ा सा ये मेल्ट होना बाकी है। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा, हम अभी रेडी हो चुके हैं, मैं नहा वहा के फ्रेश हो गई हूँ, तो लियो और कियाना भी रेडी हो रहे हैं, मैं फ्रेश हो गई हूँ नहा के। घी बनाने के बाद पूरे बॉडी से आपके घी का ही स्मेल आता है, तो इसीलिए मैं शाम तक वेट किया नहाने के लिए। तो जैसे सब हो गया घी बना के, तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरा घी भी रेडी हो चुका है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अभी पापा के वर्कशॉप में, तो पापा का भी काम शुरू है, तो पापा बहुत खुश है कि बैक का वीडियो देख के लोग हमें ईमेल कर रहे हैं, अपने डिज़ाइन भेज रहे हैं, और पापा उसे डिज़ाइन को अच्छी तरह की इसे कंप्लीट करके हम उसे डिलीवर भी कर रहे हैं, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा 515 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नया कलेक्शन है यहाँ पे, ऑर्डर साइज का, ये ऑर्डर्स था मोबाइल होल्डर का, तो ये बनाया है, और यहाँ पे ये लेदर बैग्स बनाई है, ये भी ऑर्डर की है, और ये जूट की है शायद से, और ये लेदर की है, ये हैंड स्टिच्ड हैंडमेड कस्टम मेड बैग्स है, जो आप हमें डिज़ाइन भेज सकते हो ईमेल पे, ईमेल हमारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा डिज़ाइन के साथ, तो वैसा बना के आपको हम लोग डिलीवर कर देंगे। एक महीने के बाद शोरमा खाने आए हैं, एक महीने से हमने टेस्ट नहीं किया, तो आज खाने के बाद पता नहीं कब वापस से खाएंगे, फिर वापस से हमें होम मेड वापस से शुरू करना पड़ेगा। तो कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसे लगा शोरमा? बहुत ज़्यादा अच्छा। और दिव्या भी एक महीने के बाद शोरमा खाने वाली है। एक महीने के बाद खाने का मजा ही कुछ और है। और बोलिए जी, कैसा लग रहा है? एक महीने के बाद खाने का मजा ही कुछ और है। ये देखिए। वाह, शोरमा। तो हमने अभी 3 शोरमा यहाँ पे खाया है, 3 शोरमा पार्सल लिया है, 6 कीमा पैटीज और 6 कीमा पाव। अब हम घर लेके जा रहे हैं और घर पे उसे बैठ के एंजॉय करेंगे। गाइज, अब हम घूमने के बाद मम्मी पापा के पास घर पे आ चुके हैं, तो हमारा डिनर भी रेडी है। तो आज, जैसे कि आप जानते हो कि हम बहुत थक गए सुबह से,
अलग अलग टास्क था हमारा, और अब हम खाना खाएंगे, शांति से सो जाएंगे, कल उठ के एडिट करेंगे और वीडियो डाल देंगे। उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, नहीं करना है तो फिर भी कीजिए। आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि इसके बाद होम वीडियोस बहुत मिनिमल होने वाले हैं और हम जाने वाले हैं मुंबई के बाहर। अगर कोई जाए ना जाए, मैं तो जरूर जाने वाला हूँ। छुट्टी मिले कि नहीं मिले, मैं बाहर जाके वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए इट्स योर बॉय लियो साइनिंग ऑफ, और सबकी तरफ से बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।